हरिद्वार के एक गांव में पिछले 4 साल से महाराणा प्रताप की मूर्ति स्थापना को लेकर विवाद बना हुआ था, लेकिन गांव के लोगों ने बिना कोर्ट कचहरी जाए आपस में इसका हल निकाला है। अब महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापना के साथ वहां एक सार्वजनिक सभा गृह भी बनेगा। हरिद्वार के भगवानपुर तहसील में पिछले 4 सालों से बंजारे वाला गांव में महाराणा प्रताप की मूर्ति को लेकर विवाद चल रहा था। गांव के कुछ लोग मूर्ति स्थापना को लेकर आपत्ति जता रहे थे, जिससे राजपूत समाज के लोग काफी समय से नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। ऐसे में गांव के लोगों ने बिना किसी विवाद के क्षेत्र के मौजेज और ग्राम प्रधान के साथ बैठक करके इस मसले का एक आसान फार्मूला निकाला और सभी की सहमति से गांव की विवादित जमीन पर एक तरफ महाराणा प्रताप की मूर्ति और दूसरी तरफ सार्वजनिक हॉल बनाने का निर्णय लिया गया। पूर्व जिला पंचायत सदस्य राव फसाहत अली ने कहा कि मामले को लेकर चल रहे विवाद का समाधान निकाल लिया गया है, जहाँ एक तरफ मूर्ति स्थापित होगी तो दूसरी तरफ सार्वजनिक हॉल बनाया जाएगा। वहीं ग्राम प्रधान के प्रति मुकेश कुमार सैनी ने कहा कि सभी धर्मों का सम्मान करते हुए निर्णय लिया गया है कि महाराणा प्रताप की मूर्ति भी स्थापित हो जाए और सार्वजनिक हॉल का निर्माण भी विकास कार्यों से किया जाए, जिससे गांव के सभी लोगों को इसका लाभ मिले। सभी समाज के लोगों की सहमति होगी, जो विवाद था वो खत्म हो गया और प्रधान जी ने अभी बताया है, मुकेश जी ने, जो भी विवाद था वो खत्म कर दिया गया। एक सार्वजनिक हॉल बनेगा वो प्रधान जी अपनी निधि से बनावे या विधायक से किसी से भी ला कर बनाए, वो हॉल बनेगा और वो सभी समाज के लोग उसे इस्तेमाल करेंगे और महाराणा प्रताप जी की जो मूर्ति है वो भी सीमा स्थापित होगी और हॉल भी सीमा बनेगा। बाकी सब विवाद जो है वो खत्म हो गया, अब कोई विवाद नहीं है। राणा जी की मूर्ति में हमने कह दिया भाई अपना कार्य स्टार्ट करो, उधर प्रधान जी जब भी जिस विधायक से लावे या सरकारी कोई से भी स्कीम से पैसा आ जाएगा तो उसमें एक हॉल बनाएगा। गाँव में एक पहले से ही ग्राम समाज भूमि पड़ी हुई थी, उस ग्राम समाज भूमि पर जो है पहले खंडक बंदक फैली हुई थी, वो खंडक मैंने साफ करा दी थी। उसके बाद में गांव के कुछ सभी समाज के व्यक्ति थे वो कहने लगे प्राधिकरण यहाँ बनाया था, तो खंडक हटवाई, वहाँ ट्रांसफार्मर लगे आया था, वो ट्रांसफार्मर हटाया। 22-24 हज़ार रुपये का उसका जो एस्टिमेट हुआ वो मैंने जमा कराया। उसके बाद में फिर पूरे गांव का पानी जा रहा था, मैंने एक नाला बनाया। नाला बनाने पर फिर JCP था, जो भी उसमें काम होना था वो मैं कराया गया। उसमें कुछ हमारे राणा लोग थे वो कहने लगे जब वो तैयार होगा, कहने लगे हम तो महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाऊंगे। और समाज जो और गांव के 15-16 कास्ट है हमारे गांव में, वो कहने लगे भाई चौराहे की जमीन है, इस चौराहे की जमीन में एक बात बताओ, एक समाज अपनी मूर्ति लगा रहा है, मैं दूसरा समाज अपनी लगाऊंगा, तीसरा अपनी लगाऊंगा, फिर तो ये जमीन सारी बेकार हो जाएगी। हाई इसमें प्रातघर की बात हुई थी, प्रातघर बनाया जा, तो उस उपलक्ष्य में 2 दिन पहले यहाँ से इंटा उतारी जा रही थी। इंटों को हमने कहा था भाई कोई बात नहीं, बात करते हैं बैठ कर, इंटा भी ना उतारो। तो उस बीच में गांव के सभी मौजूद वह क्षेत्र के हमारे फसाद भाई, पूर्व जिला पंचायत और ठाकुर साहब देहरादून से भी आए हुए, पुलिस प्रशासन भी यहाँ मौके पर है। तो इस चीज़ का निवारण इस प्रकार कराया गया, मूर्ति जो है उल्टी साइड कर दी गई, पल्ली तरफ जो है एक फूल बनेगा। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे, ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रूपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। बढ़ चलो लाडली बहना। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।